वन वर्सेस वन, दूसरी तरफ टीएसएम एफटीएक्स भी अभी भी चारों के चारों खिलाड़ियों के साथ जिंदा बचती हुई नजर आ रही है। आईएनडी के साथ फाइट, दलजीत गोज डाउन, शैडो का स्प्रे परफेक्टली कनेक्ट होगा एंड टीम आईएनडी मुश्किलों में पड़ते हुए, काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ चुकी है। ये नेट कहीं ना कहीं ये किल कंफर्म करने में बहुत मदद करेगा टीम टीएसएम एफटीएक्स के लिए। निंजा गामना बॉय को पूरी तरीके से पिक ऑफ करेंगे, स्काईलाइट गोज डाउन कंप्लीटली आउट ऑफ दिस गेम। अब रार बट ऑन द अदर हैंड गेट्स अ लॉक, निंजा का काउंटर नॉक आएगा अब रार के ऊपर, शैडो दूसरी तरफ टीम आईएनडी के ऊपर भी कहर लगातार ढा रहे हैं। आतंकी अकेला खिलाड़ी आपस सर्वाइव करता हुआ क्योंकि स्लेयर को भी पिक ऑफ कर लिया गया है। टीम आईएनडी डीप डीप ट्रबल फॉर देम क्योंकि टीम टीएसएम एफटीएक्स इस समय बिल्कुल भी दया दिखाने के मूड में नहीं है, लेट अलोन टीम एफटीएक्स अकेले यहां पर शैडो बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालते हुए। आईएनडी आतंकी अभी भी आखिरी खिलाड़ी की तरह सर्वाइव कर रहे हैं, मैक्स काश ने एक किल जरूर चुराया है एंड ये थोड़ा सा गुस्से में संग डालेगा टीम टीएसएम एफटीएक्स के खिलाड़ियों को। बट रिमेनिंग दो जो डुओ है जहाँ एक्वानॉक्स वो फाइट यहाँ पर अपनी रेकनिंग के अगेंस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल 6 किल्स के साथ 6 फिनिशेस के साथ टीएसएम एफटीएक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है मायावी। अभी के लिए एफटीएक्स के पास स्पॉट बहुत अच्छा, अच्छी बेहतरीन फिनिश पॉइंट्स जो फ्लो चाहिए रहता है इस मैच को बड़ा बनाने के लिए वो एफटीएक्स के पास इस बार है। जी हाँ, कल 2 चिकन डिनर थे, आज एक भी नहीं आया, बट शायद ये वाला ये कन्वर्ट कर पाए। पीछे से रेवरेंट ईस्पोर्ट्स की टीम इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोस डाउन, ब्लाइंड के उस खिलाड़ी की मैं दाद देना चाहूंगा यहां पर अभी के लिए फ्रेंड्स जो बहुत मुश्किलों में फंस चुके थे। गमला बॉय ने वहां पर इनको पूरी कोशिश करी थी डाउन करने की बट अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए थे। ऑस्टिनेस गोस डाउन, सारा क्रेडिट केमिन ईस्पोर्ट्स को, बट शैडो अगर यहां पर लूट से ध्यान हटा के नीचे बैठी केमिन ईस्पोर्ट्स पर अपने अटैक पर ध्यान दे तो ये 6 फिनिश पॉइंट्स में कम से कम 3 और फिनिश पॉइंट्स का इजाफा जरूर से हो सकता है। क्या शैडो यहां पर ग्रेनेड कर पाएंगे, क्या ब्लेज यहां पर अभी के लिए जोन का वेट कर रहे हैं? आई थिंक नाउ इज द टाइम, जब ग्लेल स्पॉट कर लिया जाता है दिस ग्रेनेड इज प्रोवाइडिंग एनफ टाइम। I think yes, this got to be a tremendous grenade for TSM FTX. Shadow यहाँ पर अभी के लिए 2000 फिनिश पॉइंट्स को करने के लिए उसके लिए एडियट बनी है। रिफ्लेक्ट के चलते सैम को डाउन कर दिया जाता है। केमिन ईस्पोर्ट्स के फिनिश पॉइंट्स इधर वे जाने तो TSM FTX के खाते में है। शैडो गलत टाइम पर नॉक हो गए, 40 सेकंड्स बचे हुए हैं, बहुत ही कम समय है, बट जल्दी से जल्दी रिवाइवल देना पड़ेगा अगर आपको रैंकनिंग ईस्पोर्ट्स के बचे हुए 2 खिलाड़ियों से बचना है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दे आर एट द डाउन रेज, उनके पास उतना ज्यादा हार ग्राउंड एडवांटेज नहीं है, बट I believe कि वहाँ पर Reckoning Esports के पास वो confidence है, वो momentum है, वो flow है, जो उन्हें पिछले मैच से मिला था, जो इस मैच में भी उनके काम आ सकता है। क्या Reckoning Esports इस मैच में भी चिकन डिनर लेकर जा सकती है? क्या चैट में हम स्पैम होते हुए देख सकते हैं कि Reckoning for the win or not, because TSM FTX plays is the tremendous contender for this chicken kinetic, वहाँ पर काफी लोग हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। What's your call? क्या यहाँ पर Reckoning अपनी comeback दिखा सकती है? बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि टीएसएम एफटीएक्स हाई ग्राउंड भी है, नंबर्स एडवांटेज भी है, तो यहाँ से चिकन किसी भी तरीके से रेकनिंग का आता हुआ एटलीस्ट मुझे इस समय पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेट्स सी, निंजा फिलहाल पोजीशन पता नहीं है रेकनिंग की, तो कहीं ना कहीं वो सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है। बिल्कुल आएगा, पहला नॉक निकाला जाएगा, मिस्टर स्प्रे इंस्टेंटली अपने आप को मोबिलाइज करते हुए उस नॉक के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश है, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन करने की कोशिश है मिस्टर स्प्रे। ये फाइट इंपॉर्टेंट रहेगी बट पीछे से कवर आता हुआ मिस्टर स्प्रे, थोड़ा सा अटैक डाउन जरूर किया गया, 7 फर्स्ट एड जिस खिलाड़ी के पास प्ले जोन के बाहर डैमेज लेते हुए काफी लो है। खिलाड़ी अब रहा ऑल आउट इन दी ओपन एंड टीएसएम एफटीएक्स।